नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, ये कंटेंट 2024 का न्यू धमाकेदार ट्रेंडिंग कंटेंट है। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना ज्यादा प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड कर रहा है कि आप लोग अगर व्यूज देखते हैं ना तो खुद शॉक्ड हो जाएंगे, इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है। और कोई भी बंदा इस पर काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई यूट्यूबर आप लोगों को बताया होगा। मतलब दोस्तों ये प्लस पॉइंट है, आप लोगों को अगर इस पर काम करते हैं ना तो बहुत ही तेजी से रीच देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपका जो चैनल है ना, दो से चार वीडियो के अंदर ही ग्रो हो जाएगा। पहले आप लोग कंटेंट देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग खुद जज करिएगा कि इस पे काम करना है या नहीं करना। मैं व्यूज भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कंटेंट भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को इस चैनल पे काम करना है। विदेश का चैनल, बस आप लोगों को ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है, अपना एक्टिविटी ऐड करना है और अपने ही चैनल पे अपलोड कर देना है। उसके बाद जो आप लोगों का जो लीला है ना, वो आप लोग खुद देखकर शॉर्ट हो जाएगी कि कितना तेजी से आपका जो चैनल है वो ग्रो हो रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए, पहले कंटेंट देखिए। और हाँ, मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ अपने चैनल पे, ना ही कोई रीच कंटेंट आया, ना ही कोई क्लेम आया, ना ही कोई स्ट्राइक आया। 24 घंटे तक मैंने अपने वीडियो को अपने दूसरे वाले चैनल पे अपलोड करके ट्राई किया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को साइड में दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सर्च वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बिग स्टूडियो, ठीक है, इतना मैंने लिखकर सर्च कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वो चैनल आ चुका है। अब इनके आईडी में मैं जाता हूँ, आईडी में आने के बाद देखिए आप लोगों को कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1000 वीडियो अपलोड है और डेली वीडियो अपलोड भी होता है। मतलब एक दिन में आप लोग अगर 50 वीडियो अपलोड करते हैं फिर भी आप लोगों को कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। और यहाँ देखिए इनके जो सब्सक्राइबर बेस है 7.5 मिलियन है और इनका चैनल मोनेटाइज है। ऐसा नहीं कि मोनेटाइज नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले व्यूज दिखाता हूँ। यहाँ देखिए व्यूज आप लोग देखिए कितना है, 66 मिलियन, 49 मिलियन, 48 मिलियन, 48 मिलियन, 45 मिलियन, 44 मिलियन, 44 मिलियन, 38 मिलियन, 32 मिलियन, 27 मिलियन। मतलब आप लोग अनुमान लगाइए कि जितना भी कंटेंट है सभी का सभी ट्रेंड कर रहा है। और एक बार मैं कंटेंट यहां पे प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूं, यहां देखिए। मतलब इस माइक के अंदर बोला जा रहा है। अब देखिए मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे इस माइक में बोला जा रहा है और यहाँ पे पुलिस का भर्ती चल रहा है। मतलब कुत्ते बिल्ली आदि का पुलिस का भर्ती चल रहा है। और ये जो जितना यहाँ तक बोल देगा, ये जो कैप दिखाई दे रहा है, यहाँ तक अगर जो बंदा बोल देगा उसको पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। तो अभी देखिए इसको डॉक्टर की नौकरी मिल गई। देखिए अभी यहाँ कुत्ता आया, अभी देखिए दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी कुत्ता भी पुलिस बन के आएगा। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ हेल्प डॉग एंड प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब, मतलब कमेंट, ठीक है। अब देखिए देखिए ये पुलिस की नौकरी पा गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी कंटेंट है ना, सभी का सभी इंटरेस्टिंग टाइप का, भाई चुपके से आप लोग बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को जब एक्टिविटी पूरा ऐड करके उसके बाद प्ले करके दिखाऊंगा तो आप लोग के होश उड़ जाएंगे कि ये जो कंटेंट था पहले कैसा था और अब कितना यूनिक तरीके से बन गया है। और ये विदेश का चैनल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए इनके आईडी के आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है और 2023 में इनका जो चैनल है वो स्टार्ट हुआ है नवंबर के, मतलब ये 8-9 महीने में, मतलब 2023 के लास्ट महीने में इन्होंने स्टार्ट किया। नवंबर में ही 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं और वो विदेश का चैनल। अब आप लोग सोचिए कि विदेश का चैनल इतना ज्यादा ट्रेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, सभी वीडियो इसी तरह का देखने के लिए मिलेगा, बहुत यूनिक तरीके से देखने के लिए। देख सकते कुत्ते को पढ़ाया जा रहा है, क्या है ये, बिल्ली है, मियां बिल्ली बोली है, अब यहाँ कुत्ता है, कुत्ता बोलेगा। तो इसी तरह से आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या करना, ईजी तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड करने का प्रोसेस नहीं पता है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक पा जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे, वहां पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोटिस, मतलब नोट आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए कोई भी बंदा मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट करता है, मुझसे कोई सवाल पूछता है, तो अगर वो मुझे फॉलो नहीं करेगा ना तो वो ऑटोमेटिक ब्लैकलिस्ट में चला जाता है। तो ये बात मैं आप लोगों को बताने वाला था, आज मैं बता देता हूं। अगर कुछ भी पूछना आप लोगों को तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, तभी आपका जो मैसेज है वो मेरे पास आएगा। अगर मुझे फॉलो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ऑन किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। तो डायरेक्ट आप लोगों को कट कर देना है। कट करने बाद देखिए एक्टिविटी जो ऐड है ना, वो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि हर एक वीडियो की तरह आप लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी ऐड करना है। भाई मैं चुपके से बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप लोगों को देख लेना है, पूरा अच्छी तरीके से देख लेना है, फिर आप लोगों को उस पर वर्क करना है, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक आपका भाई चैनल बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ओपन करने बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ऊपर क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करना, यहाँ पे रेशियो पूछेगा तो सेकंड नंबर 9:16 जो कि हम लोग का शॉर्ट रेशियो होता है उस पर क्लिक कर देना। फिर नीचे क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे क्रिएट वाले आप लोगों को क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों आप लोगों को इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए ना वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं एग्जांपल जो बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से बताऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं एरो डाल देता हूं, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और अभी आप लोग जो वीडियो डाउनलोड किया उस वीडियो को ऐड करके राइट साइड में क्रॉस पे क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएगा, तो आप लोगों को स्क्रॉल करके इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद राइट साइड में मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मिक्सर पे क्लिक करना, सोइस को जीरो कर देना है और इसको ऑन कर देना है, इससे दोस्तों इस वीडियो का जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगा। अब बैक जाना है, बैक जाने के बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि यूट्यूब कोडिंग से चलता है तो आप लोग एक दो फिल्टर जरूर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए फिल्टर पे क्लिक करके वन पे जाना और कोई भी एक फर्स्ट वाला फिल्टर ऐड कर देना है। फिर सो है, इसको आप लोगों को एडजस्ट करना है, मतलब आपका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ जाता है ज़्यादा, इसको एडजस्ट कर देना है 20 या 25 पे कर देना। अब बैक आना है, फिर बैक आना है। अब देखिए विदेश के चैनल पे प्लस पॉइंट तो यही होता है कि भाई ना ही कोई वाटरमार्क देखने के लिए मिलता है और ना ही चैनल का कोई लोगो वगैरह देखने के लिए मिलता है, और यही प्लस पॉइंट होता है, तो इसी का फायदा आप लोगों को उठाना है। तो देखिए यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेयर पे क्लिक करना है, फिर टैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, टैक्स पे क्लिक कर देना है। अब टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या है, अपने चैनल का नाम, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है सोनू पासवान, तो यहाँ पे मैं सोनू पासवान लिख देता हूँ। अब लिखने के बाद देखिए इस तरह से नीचे आप लोगों को ला देना, लाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करके और इस तरह से कर देना है। अब इसका जो लेंथ है आप लोगों को इस तरह से पकड़कर और जितना आपका वीडियो का लेंथ है उतना आप लोगों को खींचकर इसको बड़ा कर देना, मतलब एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम ना हो। अब फिर दोबारा स्टार्टिंग पे जाना है और उसी लेयर पे अभी जो टेक्स्ट ऐड किया उसी लेयर पे क्लिक रहना चाहिए। अब नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद देखिए अल्फा लिखा होगा, कोष्टक में ओपेसिटी लिखा है, उस पर क्लिक करके इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर देना। अब देखिए कितना यूनिक तरीके से यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ, पहले ज़्यादा लाइट में था अब थोड़ा डार्क हो गया, मतलब हल्का हो गया, वही बेस्ट होता है। अब बैक आना है, बैक आने के बाद फिर दोबारा बैक आना है और यहाँ देखिए आइडियो का एक ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है, नीचे जाना है फोल्डर पर और कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे यही वाला ले लेता हूँ या कोई अदर भी ले लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करिएगा जो अच्छा लगे आपको। अब ऐड करने बाद देखिए मिक्सर पे फिर दोबारा जाना है और उसी वाले लेयर पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक अभी ऐड किया है, फिर यहाँ इसको 100 है तो मैक्सिमम आप लोगों को 25 या 27 पे कर देना है, क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो आपके बैकग्राउंड के पीछे चले, जो आपका वॉइस ओवर अभी होगा उसका भाई पीछे चले, उसके आगे ना चले, मतलब उसके लेवल में ना चले, ठीक है। अब इसको ऑन कर देना है, फिर बैक जाना है, फिर बैक जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट काम यह है कि वॉइस ओवर, और यही तरीका मैं आप लोगों को यूनिक तरीके से बताऊंगा, मतलब आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन एग्जांपल देख लीजिए किस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए आरईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करना दिए जब स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तभी वॉइस ओवर होना स्टार्ट होगा। यहां देखिएगा बच्चों यहाँ पे पुलिस की भर्ती हो रही होती है, तभी देखते हैं यहां पे कौन कौन क्या बनता है। भाई ये तो शैतान बन गया जो इसके अंदर भाई तगड़ा आवाज देगा। दोस्तों क्या आप लोग भी पुलिस की भर्ती लेना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखिए भर्ती कैसे होती है, यहाँ पे भाई ये बंदा इसके अंदर चिल्लाता है और जो चिल्लाएगा जितना यहाँ पे वो भाई वो नौकरी पा जाएगा। अब ये डॉक्टर की नौकरी पा गया, ये खुश हो गया, इसके पहले शैतान की नौकरी था। अब ये कुत्ता देखते हैं भाई, ये दोनों तो लड़ रहे हैं लेकिन कुत्ता देखता है भाई पुलिस बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा, तो इसकी मदद करो भाई, लाइक करो, कमेंट करो, और यहाँ पे सब इसको चिल्लाने के लिए देखते हैं कितना ये बनता है। वो भाई ये तो लगता है भाई रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये भाई पुलिस बन जाएगा, ये बन जाएगा पुलिस। ओ भाई कमेंट बताओ बन गया, ये तो पुलिस बन गया। अब ये जाएगा इन गुंडों को भाई सफाई करेगा, इसको मारेगा। इस तरह से आप लोगों को थोड़ा, मतलब देखिए आप लोगों को सटीक नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो कंटेंट होता है ना ये बच्चे ज्यादा तक वाच करते हैं और बच्चे को यूनिक तरीके से आवाज सुनना पसंद होता है, मतलब तगड़ी आवाज में आप लोग ए वे वे वो कुछ भी बोलिए समझ में ना आए लेकिन आवाज जो है वो तगड़ा हो, ठीक है। मैं आप लोगों को भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे आपके घर पे होंगे वो मोबाइल आपके चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा जो टक 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 या आऊँ बोल के बोलते हैं ना, मतलब उस तरह से वो लोग बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दो दो तीन तीन बार ही वॉच करते हैं और कोई बंदा बोलने वाला होता नहीं है कि बस दूसरा कॉन्टेंट लगाओ, क्योंकि वो बच्चा है उसका जो मन करेगा वही देखेगा। तो इस तरह से आप लोगों को कर देना। अब स्टार्टिंग पे जाना, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब डिस्प्ले पे टच करके एक बार पहले प्ले करना, अभी देखिएगा देखिए यहाँ से मेरा वॉइस ओवर होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करना, थोड़ा सा हल्का सा है यहाँ से, अब यहीं पे रोक के इसी लेयर पे क्लिक करना जो वॉइस ओवर वाला है, फिर आप लोग क्या करना राइट साइड में मिक्सर का ऑप्शन दिखाता है उस पर क्लिक करके 100-200 कर देना है, इससे क्या होगा आपका जो साउंड है वो बढ़ जाएगा, इसको ऑन कर देना है, फिर बैक जाना है और नीचे जाना है, नीचे जाने बाद कैंची का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट कर देना है और क्या करना है इसको प्रेस करके यहाँ पे मिला देना है, मिलाने के बाद आप लोगों को क्या करना लास्ट पे जाना है और इस पर क्लिक करना है ऊपर वाले लेयर पे, फिर कैंची जाकर ट्रिम राइट कर देना है। अब देखिए ऊपर का जो लेयर है ना उतना ही आपका सेव होगा, इन दोनों बीच वाले लेयर से कोई मतलब नहीं है,
आपका जितना साउंड है उतना ही आपका ऊपर वाला लेयर होना चाहिए। अब ये सब कुछ हो चुका है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, अब इसको सेव करना है। ठीक है, आप लोग को सेव करना, तो बैक आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में एरो का ऑप्शन दिखा देगा, उस पर क्लिक करना। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे इतना ही काम से आपका जो है वो चैनल पर कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, तो मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि मैं 24 घंटे पहले इसको अपलोड किया था, सेम इसी तरह से एडिट करके किया था, कोई स्ट्राइक नहीं आया ना ही कोई क्लेम आया। पहले मैं ट्राई करता हूँ, खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भाई जिस कंटेंट को देख रहे हैं वो बेस्ट कंटेंट हो और कोई स्ट्राइक क्लेम वगैरह का झंझट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेव करना है, तो यहाँ पे रेजुलेशन पूछेगा, तो 1080 पिक्सल पे रख लेना है फ्रेम रेट, क्योंकि भाई शॉर्ट वीडियो 1080 पिक्सल बहुत ही ज्यादा होता है, और फ्रेम रेट आप लोगों को 60 पे कर देना, ब्राइटनेस आप लोगों को मैक्सिमम 15 या 16 पे कर देना है। करने राइट साइड में सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब ये जो वीडियो ना आपका आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों कंटेंट क्रिएट करने का तरीका तो आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई मेरे वीडियो के कमेंट के अंदर पूछते हैं कि सर इस कंटेंट का कैटेगरी क्या रखना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरटेनमेंट रखिएगा, क्योंकि ये कार्टून का कैटेगरी और इंटरटेनमेंट में ये कैटेगरी आएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय।